अगर कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब जब्त। विरोध करने पर शराब के धंधेबाजों ने मोहल्ले वालों के साथ की मारपीट। DN20 दरभंगा। सख्ती के बावजूद बिहार में शराबबंदी सफल होती नहीं दिख रही है। शराब तस्कर और इसके धंधेबाज नए नए रास्ते खोजकर धंधा कर रहे हैं। अब शराब के धंधेबाज धार्मिक स्थलों तक का उपयोग शराब के धंधे के लिए कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला शनिवार को दरभंगा में सामने आया, जब शहर के बीचोंबीच स्थित गंगा सागर तालाब के किनारे के कब्रिस्तान और तालाब से कई बोरे में रखी भारी मात्रा में नेपाली 100% शराब जब्त की गई। कब्रिस्तान में शराब का धंधा करने का विरोध करने पर शराब तस्करों ने मोहल्ले वालों के साथ मारपीट भी की। मोहल्ले वालों की सूचना के बाद लहेरिया सराय थाना और बेता ओपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। कब्रिस्तान के अंदर दारू रख रहा है सब ना, उसके लिए बताइए। अभी ना भेजे किसी को। यहाँ दारू रखा हुआ है पूरा फुल। ये देखिए सर, सूफिया खुला हुआ है, सूफिया खुला हुआ, सूफिया शरीफ सर। ना छूने वाले। एक बोरा और जो है कपड़ा में बांध करके इसको रखे हुआ था, निकालने में शराब को ढूंढने में। सूफिया शराब बोलते हैं शायद इसको, उसी का बॉटल पूरा। अभी 50 बोरा, कितना बोरा होगा? अभी बहुत बोरा होगा। और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। बुजुर्ग किया बेटा, सब ले जाके देता बाबू के। हम ना लियो फलाना जगह से चुरा, एक कल राय दे लगी। अब बाप पिएगा हम। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।